वक्त मैं हूँ आपके साथ अजिता। हड्रेड डायल लाल गांव में चालक के पद पर पदस्थ युवक से परेशान युवती तहसील से लेकर कलेक्ट्रेट तक दर दर भटक रही है। पीड़ित रात 9 बजे तक अपर कलेक्टर कार्यालय के गेट के सामने बैठी रही। युवती कई दिनों से अपर कलेक्टर इला तिवारी का इंतजार करती रहती है, लेकिन एक सप्ताह से भटक रही युवती का आवेदन लेने की फुर्सत मैडम को नहीं है। कहा जाता है कि महिला का दर्द महिला समझ सकती है, लेकिन जिस तरह से अपर कलेक्टर पीड़ितों की सुनने में दिलचस्पी नहीं लेती, उससे तो यही लगता है कि प्रशासनिक अमला सिर्फ कागजों में जनसुनवाई और विकास कार्य कर रहा है। लालगांव निवासी कल्पना वर्मा नाम की युवती सोमवार की रात 9 बजे तक कलेक्ट्रेट में अपर कलेक्टर इला तिवारी के कक्ष के बाहर बैठी रही। मैडम अपने कक्ष से मीटिंग हॉल और मीटिंग हॉल से अपने कक्ष में आती जाती रही, लेकिन पीड़िता की नहीं सुनी। पीड़िता ने बताया कि वह एक सप्ताह से प्रतिदिन आती जाती है और लौट जाती है, उसका आवेदन मैडम नहीं ले रही है। पीड़िता ने बताया कि उसके पिता के अधिपत्य की आराजी का अंश भाग पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण कर किया जा रहा है। उसे तहसील सिरमौर इस्टे मिला था, इस दौरान पुलिस निर्माण कार्य में रोक नहीं लगाई। इस दौरान आक्रमणकारी इस्टे खारिज करा दिया, जिसके बाद वह कलेक्ट्रेट स्थगन लेने के लिए चक्कर लगा रही है। पीड़िता ने बताया कि आक्रमणकारी लालगांव चौकी में 100 नंबर का ड्राइवर है, जिसके दबाव में स्टे के दौरान चौकी प्रभारी के द्वारा कार पर रोक नहीं लगाई गई और उसके अनवरत कार जारी है। पीड़िता की माने तो 100 नंबर के वाहन का ड्राइवर होने का नाजायज लाभ लेकर उसके पिता के स्वामित्व की आराजी में जोर शोर से निर्माण कार्य करा रहा है, रोक लगाने पर धमकी दे रहा है और अतिशीघ्र से शीघ्र कार्य पूरा करना चाहता है, जबकि वह एक सप्ताह से अधिकारियों के चक्कर लगा रही है। बताया जाता है कि पीड़ित का परिवार सदमे में है। आशीष लोहार द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण को तहसीलदार के स्थगन आदेश 25 जून 2020 के परिपालन में रोकने के लिए और आपराधिक कार्रवाई करने की मांग युवती के द्वारा की जा रही है। आइए सुनते हैं पीड़िता ने क्या कहा। मैं स्टे के लिए यहाँ आ रही हूँ 10 दिन से लगातार, लेकिन मैडम साइन नहीं की मेरे फाइल में। क्या क्या मामला है आपका? जमीनी विवाद है। मेरे यहाँ जो मेरी ज़मीन थी उसमें अवैध कब्जा कर लिया गया है। आशीष लोहार वो 100 नंबर की गाड़ी चलाता है और अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया, कहीं कोई सुनवाई नहीं है। तहसीलदार वहाँ के कुछ नहीं बोले, पटवारी ने नाप नहीं की और प्रतिवेदन बना के दे दिए। उनका नाम है गिरीश गौतम जो पटवारी है और जितेंद्र तिवारी तहसीलदार। हम वहाँ आपत्ति भी लगाएं लेकिन वो कुछ सुने नहीं, ना कोई कार्रवाई किए। सीमांकन का आवेदन भी दिए तो कोई कार्रवाई नहीं किए वो और इस्टे खारिज कर दिए। हम मैडम से चाहते हैं कि न्याय दे वो हमें, हम बहुत परेशान हैं, हम कहाँ जाएं? गरीबों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितनी ज़मीन है आपकी वहाँ? मेरी ज़मीन है वहाँ 3 डिसमिल, लेकिन मेरा घर 3 डिसमिल में नहीं बना हुआ है, 33x40 है, लेकिन मेरा घर 27 फीट 4 इंच सामना है और पीछे 30 फीट बना है, 10 फीट पीछे है और 6 फीट सामने छूटा हुआ है। वहाँ हम लोग पहले फट्टा बनाकर ऐसे ही झोपड़ी टाइप का बनाकर वहाँ नहाते थे, कपड़ा धोते थे, लेकिन अब हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है तो हम लोग अब सड़क में नहाते हैं। इतना परेशान हैं कि क्या बताएं। यहाँ आप आ रही हैं, मैडम से अभी तक कोई मुलाकात नहीं? मैडम से मुलाकात नहीं हो पाई। मैडम मिली हैं आपको किसी दिन? नहीं, किसी दिन नहीं मिली। आप यहाँ आती हैं, वापस जाती हैं, जो यहाँ पे बैठते हैं उनसे मिलने के लिए आप बोलती हैं तो क्या कहते हैं? बोलते हैं अभी मैडम के पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।